आप तो सबका हार्दिक स्वागत है मैं मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब प्रैक्टिस है जो हम कर सकते, हम बात कर सकते हैं। और बात हो रही है बॉडी तो बिल्डर्स और बिग मसल्स और लोअर बॉडी फैट परसेंटेज और ये सारी चीजें लेकिन क्या आपको पता की हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपको स्ट्रेस भी बनाता है और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो टेस्ट

जब पेट का कोई भी इशू होता है उसके बाद अगर बहुत डाउन फील हो मसल लॉस फील हो ये सब चीजें इसी की वजह से होता है तो अगर आपको आईबीएस है बाकी कोई भी दिक्कत है प्लीज फील फ्री टू तो कॉन्टेक्ट घर पे किसी टाइप टू डायबिटीज है या हाइपर हाई, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर अभी न्यूर आने वाला है तो फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ओनली नेचुरल बॉडी फैट लॉस प्लीज फील फ्री टू तो कॉन्टेट तो फोर हम टेस्ट्रॉन की बात करें सब चीजें बात करें एक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए हार्मोन एल एच लूटिनाइजिंग जो रिपोर्डक्शन कि like है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा पूरे लूप के क्योंकि कई बार जा चुका हूँ लेकिन इफ वॉन्ट टू रीड अब इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आप उसको को पढ़ सकते हैं तो कहने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन एक अच्छी रेंज में होना एलएच एक अच्छी रेंज में एल एच एक एक अच्छी रेंज में होना गुड एक एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे टेस्टोस्टेरोन है इसका रेंज नॉर्मली अलग अलग स्केल्स के हिसाब से देखो तो सवा दो सौ के सवा दो और नौ के बीच में रहता है और कई बार मैं देखता हूँ टेस्ट्रॉन चेक कराते हैं डॉक्टर पास ले जाएंगे अगर टू एटी फाइव टेस्ट्रॉन है तो कहेंगे ठीक है रेंज में नॉर्मल है लेकिन लोअर रेंज के आसपास होना और हायर रेंज के आसपास होना बहुत फर्क होता है बहुत डिफरेंस होता है अबाउट हाउ दे परसीव लाइफ

तो ज्यादा लेना उस चीज में उसको एक्सेलरेट कर सकता है तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए लेकिन कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब भी होता है कि कैंसर के साइन देखना बिफोर कोई सिम्टम आए तो पी इसके लिए होता है आप देखोगे बड़े सारे जो फुल बॉडी टेस्ट होते हैं उनमें पीएसए टेस्ट बड़े आराम से आपको मिल जाएगा सुपर चीप तो एटलीस्ट रेगुलरली आपको ये कराना चाहिए अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो जो मैक्सिमम प्रोस्टेट कैंसर होते हैं ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और बहुत कम होता है कि प्रोस्टेट के बाहर ग्रो करेंगे इनफैक्ट कुछ लोग तो ये बोलते हैं कुछ डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आप प्रोस्टेट कैंसर के साथ काफी टाइम रह सकते हैं हो सकता को पता भी ना चले तो उतना कोई डेंजरस फॉर्म का कैंसर नहीं तो अब को, वो है। तो लग रहा था कुछ ना कुछ तो हुआ तो अब इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की और अब बात हो रही है, की। baths, में बहुत है, के लिए बहुत है। लेकिन हमने कहीं मेरी ऐसा देखा है कि अगर आप वर्कआउट के बाद आइस बाथ लेते हो तो आपकी रिकवरी हिंडर हो जाती है मी एक्सप्लेन हाउ और इसी के लिए फॉर सेम रीजन आई डोंट एनकरेज पीपल टू ईट सिट्रस फ्रूट आफ्टर वर्कआउट वर्कआउट के बाद क्या होता है वर्कआउट के बाद आप मसल में इंजरी करके आए हो उसके बाद इंजरी का इन्फ्लेमेशन होती है इन्फ्लेमेशन से ग्रोथ होती है नॉर्मली आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने खाना चाहिए क्योंकि तभी इन्फ्लेमेशन कम होगी लेकिन उस टाइम पे हम वी वांट मोर इन्फ्लेमेशन और ताकि इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी तो रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी तो इसके लिए वर्कआउट के बाद आइस बात इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया लेकिन अब इन भाई साहब ने क्या करना शुरू किया उन्होंने पहले आइस बाथ लेना शुरू किया फिर वर्कआउट करना शुरू किया और उसके बाद हुआ क्या इन भाई साहब का अगर आप देखोगे की इनका जो पहले टेस्टोस्टेरोन था इनका सेवन

एक्चुअली हुआ है 1991 में मैं इस स्टडी की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा पढ़ सकते हो 1991 में में जापान स्टडी हुई थी जहां पे ये चीज देखी गई थी कि अगर हम को मेजर करें इस तरीके से कि पहले एक आइस बात किसी टाइप का उसके बाद अगर आप वर्कआउट करते हो टेस्टोसॉन बूस्ट होता है ठीक है तो अब ये एक प्रैक्टिस है मुझे पता है सुनने के बाद बड़े सारे लोग बोलेंगे अरे काम करते हैं सर्दियां आ रही है तो आइस बाग का जुगाड़ घर पे करते हैं उसका वर्कआउट करने चलेंगे तो टेस्टोसोन बढ़ जाएगा नॉट सो फास्ट अब मेरे इसमें डाउट एक दो ही है ज्यादा नहीं अब पहला पार्ट तो ये जिसमें आपको बात बोली थी तो ये भाई साहब है थॉमस पी सीगर जो कंपनी इनकी फिनिक्स और एरिजोना में एक करती हुई पता क्या दैट मेक्स आइस बात फॉर शिपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो, तो मेरा जो रेड फ्लैग है वो बेसिकली यहाँ पे रेज हो गया उसके बाद देखिए इनका जो सारे टेस्ट है कब आए कब नहीं देखने में तो लगते हैं लेकिन यू नेवर नो सही हो भी कि नहीं हो लेकिन चलो कोई बात नहीं इसको ट्राई करने में तो कोई हार्म नहीं कोई सप्लीमेंट नहीं कोई कुछ नहीं आइस बात अगर करना हो तो कोई भी कहीं पे कर सकता है कोल्ड बाथ की बात करें क्योंकि ये एक्टिविटी क्या है एक कोल्ड बात है उसके बाद आप वर्कआउट करते हो लेकिन आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ पहले तो कभी ये मत सोचेगा कि सिर्फ एक एक्टिविटी से आप हॉर्मोन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं अल्टीमेटली आप डाइट क्या लेते हैं आपकी नींद कैसी होती है वो इन दोनों चीजों से कहीं ज्यादा सुपीरियर है एक वो पार्ट ढंग से आ गया प्लस सनलाइट पार्ट टू अगर ये तीन चीजें ढंग से है उसके बाद हम कुछ चीजें एड करते हैं ठीक है लेकिन उसके लिए वार्निंग आई नीड टू गिव यू वार्निंग पता क्या है कि जो हार्ट अटैक होता है या उसे जो कार्डियोवैस्क डिजीज होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं जब जैसे डी विनस थ्रम्बोस पोलोनरी एम्बोलिज्म अरोटिक रप्चर या डाइसेक्शन स्ट्रोक हाइपर टेंशन हार्ट फेलियर ये बहुत सारी चीजें सर्दियों में ज्यादा होती है एंड वी स्टिल डोंट नो की ऐसा क्यों होता है आई पर्सनि नो पीपल पास अवे सर्दियों में ठंडे पानी से नहा के नॉट से आपको सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए ये ऐसी चीज वो, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं आई पर्सनली टेक बाथरूम कोल्ड वाटर ओनली लेकिन पट uh, और है कि जिनको अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की कंडीशन है एलेक्ट से लिपिड बहुत ज्यादा है ट्राइग्लेसाइड्स बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर रहता है उन लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड कर

पूरे एपिसोड का पहले तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट पहले कोल्ड वाटर से नहाओ और उसके बाद आप वर्कआउट करो देखो हाउ डू यू फील मतलब डेफिनेटली ऑल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन मेरे ख्याल से ऐसे हम सीखते हैं नई चीजें सामने आएंगी लेकिन अगर आपको किसी टाइप का हार्ट डिजीज है या किस टाइप की कुछ भी चीज है या कोई भी लेवल आपके ऊपर नीचे फिर आपको नहीं करना चाहिए आई गेस फिर एक रिस्क फैक्टर दूसरा पार्ट ये अकेला कभी कुछ नहीं करेगा अगर आपकी डाइट आपकी मूवमेंट आपकी स्लीप आपका सनलाइट एक्सपोजर और या कुछ विटामिन की दिक्कत है या पेट के इश्यूज है दिस इज नॉट गोइंग टू Anything, वो बेसिक वो प्राइम मूवर्स अगर वो ढंग के नहीं होंगे life, तो जैसे मैंने बोला की जो लोअर एंड है उसके आसपास होना और हायर एंड के आसपास होना दो नॉर्मल कहलाते हैं लेकिन ऑलवेज ट्राइव टू बी नियर दर Part. So I hope you learned something from the video. I'll see you next time. Till then. Bye.